हेलो बच्चों, हम क्लास सिक्स स्टैंडर्ड की पोयम ए हाउस ए होम स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके पोइट है लॉरेन एंड हेनरी। जो हमारे पास ए हाउस ए होम जो पोयम है, इसमें पोइट ने हाउस और होम को डिफरेंशिएट किया है। पोइट बताता है कि जो हमारे पास हाउस है वो एक पूरी तरीके से फिजिकली कंडीशन होती है, मेटलिस्टिक कंडीशन होती है, इसमें सारी चीजें नॉन लिविंग होती है। जबकि अगर हम होम की बात करें, इसमें इमोशंस होते हैं, फैमिली होती है, और हमारे पास फादर्स मदर जो एक दूसरे की केयर करते हैं वो होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हाउस। हाउस होता क्या है? व्हाट इज हाउस? इट्स ब्रिक्स एंड स्टोन। यहाँ ब्रिक्स ईंटें होती हैं, पत्थर होते हैं। जो हमारे पास हाउस होता है वो ईंटों से, पत्थर से बना होता है। एंड वुड्स दैट हार्ड, और लकड़ियां होती है जो की कठोर होती है। पूरी तरह से ब्रिक्स, स्टोन, वुड्स सभी कैसे फिजिकल कंडीशन है, नॉन लिविंग थिंग्स है ये सभी चीजें। सम विंडोज ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड, शीशे की खिड़कियां होती है, और कुछ आंगन, और कुछ घर में आपने देखा होगा कि यार्ड होते, बड़े बड़े आंगन होते हैं। नेक्स्ट, इट्स ईव्स एंड चिमनी। ईव्स का मतलब एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ रूफ, जिनको आप छज्जा बोल दो चाहे आप बालकनीज बोल दो। तो इट्स ईव्स एंड चिमनीज। चिमनीज होती है जो हम नॉर्मली किचन में हम यूज करते हैं। किचन में होता क्या है, जो भी पोल्यूटेड एयर या फिर हॉट एयर, उनको बाहर निकालने के लिए हम चिमनी का यूज करते हैं। नेक्स्ट होगा एंड टाइल फ्लोर। टाइल होती है, फर्स्ट पर हमारे पास टाइल होती है। एंड स्टूको एंड रूफ। स्टूको का क्या, जो हम प्लास्टर यूज करते हैं फॉर ब्यूटिफिकेशन, हमारे घर को सुंदर बनाने के लिए हम प्लास्टर का यूज करते हैं। एंड रूफ, छत होती है। एंड लॉट्स ऑफ डोर, और काफी दरवाजे होते हैं। आपने देखा होगा कि घर में एक मेन दरवाजा हो हुआ, फिर कुछ घर में तीन से चार कमरे होते हैं जो नॉर्मल घर होता है, तो सभी के अलग अलग दरवाजे होते हैं, क्या होगा, लॉट्स ऑफ डोर। तो आपने हाउस में देखा सारी चीजें नॉन लिविंग है, फिजिकली कंडीशन है सभी चीजों की। ब्रिक्स स्टोन होती है, विंडोज होते हैं। नेक्स्ट होगा क्या, हमारे पास आंगन होते हैं, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ रूफ, बालकनीज होती है, चिमनीज, टाइल फ्लोर होती है, प्लास्टर, और लॉट्स ऑफ डोर। अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज होम। होम क्या है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, होम हमारे पास जहां पे इमोशंस होते हैं, फैमिली होती है। व्हाट इज होम? इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। स्नेह भाव से पूरा परिवार रहता है और एक दूसरे के लिए वो काम करते हैं। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड फादर्स एंड मदर्स। भाई बहन होते हैं, माता पिता होते हैं। तो घर हुआ क्या, जो हमारे पास होम होता है जहां पे सभी पूरा परिवार एक स्नेह रूप से, माता पिता हो, सारी चीजें कैसी हो, लव हो, केयरिंग हो, आपस में रिलेशंस हो, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, होम बोलेंगे। इट्स अनसेल्फिश एक्ट एंड काइंडली शेयरिंग। अनसेल्फिश, निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के लिए काम करते हैं, वर्क फॉर ईच अदर। एंड शोइंग योर लव्ड वंस एंड यू आर ऑलवेज केयरिंग। होम में एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव दिखाते हैं, और एक दूसरे की जो अच्छी बातें हो, चाहे वो बुरी बातें हो, चाहे वो सुख की बात हो, दुख की बात हो, आपस में काइंडली शेयरिंग करते हैं, प्रेम पूर्वक को शेयर करते हैं आपस में सारी बातें, और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो दोबारा से मैं ब्रीफ में बताता हूं, होम क्या होता है, जहां पे इमोशंस हो, फैमिली हो, रिलेशंस हो, लव हो, फादर्स मदर्स हो, एक दूसरे के लिए अनसेल्फिश एक्ट हो, वर्क फॉर ईच अदर विदाउट एनी प्रॉफिट, काइंडली शेयरिंग, आपस में एक दूसरे की बातें बहुत अच्छी तरीके से शेयर करें, वो हमारे पास क्या होता है, होम। आई होप आपको ये पोयम है ए हाउस ए होम अच्छी तरीके से समझ आई होगी। थैंक यू।